मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्कूल सिक्ख्या विभाग द्वारा भेजी जा रही मॉर्निंग स्लाइड विच आप सब जी दा स्वागत है। बेटा आज मिति है जी 7 मार्च 2022, दिन है प्यारे बच्चों सोमवार, हफ्ते दा पहला दिन है, इंग्लिश विच मंडे। शुरू कर दे बेटा आज दी मॉर्निंग स्लाइड आज दे विचार नाल। आज दा विचार है जी, सिक्ख्या सब तो शक्तिशाली हथियार है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। प्यारे बच्चो, सिक्ख्या एक सब तो शक्तिशाली हथियार है जिस दी वरतों करके तुसी दुनिया नू बदल सकते हो। जिमें कोई भी काम पूरा होने तो पहला बेटा असंभव ही लगता है, परंतु बुद्धिमानी नाल ते सिक्ख्यत होके असी किसी भी औकड़ किसी भी मुश्किल दा हल सहजे ही पा सकते हाँ, और ये सब सिक्ख्यत होके ही संभव हो सकता है। कोई भी देश उदो तक तरक्की नहीं कर सकता जदो तक उस देश दे वासी सिक्ख्यत नहीं हो जांदे। कर्तव्यां दा एहसास कराउंदी अधिकारां दा ज्ञान सिक्ख्या नाल ही मिल सकता है सर्वोत्तम सम्मान। सो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। नेक्स्ट वन इज नॉलेज एंड साइंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Who was the founder of All India Pingalwada Charitable Society? All India Pingalwada Charitable Society de sansthapak kaun san? Isna jawab hai ji Bhagat Puran Singh ji. Question number 2. Who was the first Indian woman to go to space? Pulad vich jaan wali pehli bharti mahila kaun si? Isna jawab hai ji Kalpana Chawla ji. Third question is In which city is the rock garden situated? रॉक गार्डन किथे स्थित है? इट्स आंसर इज चंडीगढ़। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर एजुकेशन ब्लॉक? तुहाडे सिक्ख्या ब्लॉक दा की नाम है? प्यारे बच्चो, साडा जिला बरनाला है ते साडा सिक्ख्या ब्लॉक दा नाम भी बरनाला है। सो तुसी अपने अध्यापक साहिबान तो अपने जिले दा नाम जान के अपने सिक्ख्या ब्लॉक दा नाम पता करना है ते उस नू याद करना है। Fifth question is beta, which sense organ helps us to taste? Kedi gyan indri sanu swad dekhan vich madad kardi hai? Pyare bachcho, sadi gyan indri jo jeeb hai sanu swad dekhan vich madad kardi hai. Agge hai pyare bachcho, aao puchhiye pahadon aaye rode aundeyan de sir tode. Isda jawab hai ji akhrot. Last one is words for practice. Our first word is better. 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 Better मतलब बेहतर. Second word is beta bottle. 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 Bottle मतलब बोतल. Third word is bitten. 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 Bitten मतलब कटिया होया. Fourth word is fitting. FITTING. Fitting, fitting मतलब fitting. Fifth and last word is kitten. KITTEN. Kitten, kitten मतलब बिल्ली दा बच्चा. अपनी आज की स्लाइड कंप्लीट हुई बेटा. टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे. सत श्री अकाल पुत्र जी सारिया नू. स्कूल सिक्ख्या विभाग द्वारा भेजी जा रही मॉर्निंग स्लाइड विच आप सब जी दा स्वागत है बेटा. आज मिति है जी 8 मार्च 2022, दिन है प्यारे बच्चों मंगलवार, हफ्ते दा दूसरा दिन है, इंग्लिश विच ट्यूसडे। सब तो पहला बेटा जिमें कि आज 8 मार्च है ते 8 मार्च नू इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। सो सारिया नू अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दियां बहुत बहुत मुबारक। शुरू कर दें जी आज दी मॉर्निंग स्लाइड आज दे विचार नाल। आज दा विचार है जी गरीबां ते लोड़वंदां दी मदद करो, हेल्प द पुअर एंड द नीडी। प्यारे बच्चो, सानू हमेशा बेटा गरीबां ते लोड़वंदां दी मदद करनी चाहिदी है। जदों असी दूसरियां दी मदद करदे हां तां परमात्मा साडी सहायता जरूर करदे हन। रोटी कपड़ा अते मकान तीन चीजां ऐसियां हन बेटा जिन्हां दी जरूरत हर इंसान नू है। ये जरूरी नहीं है कि असी सिर्फ आर्थिक पक्ष तो ही मदद करनी है। असी बुजुर्गां दा सहारा बन सकते हां, भुखे नूं आपां रोटी दे सकते हां, जरूरतमंद दी जित्थों तक भी हो सके मदद करन तो बेटा गुरेज नहीं करना चाहिदा। गरीबां ते लोड़वंदां दी मदद करनी साडा सब दा मुढ़ला फर्ज बनदा है। सो बेटा गरीबां ते लोड़वंदां दी मदद करो।
Next one is knowledge and science. Our first question is, what is the state tree of Punjab? Punjab da Raj Rukh keda hai? Punjab da Raj Rukh Dali hai. Second question is, what is the capital of India? Bharat di Rajdhani kedi hai? Its answer is New Delhi. Third question is, which patriot took revenge for the Jallianwala Bagh massacre? Jallianwala Bagh da badla kis desh bhagat ne liya? Isda jawab hai ji Sardar Udham Singh ji ne. Fourth question is, which is the largest bone in the human body? Manukhi sharir di sab to vaddi haddi kedi hai? Isda jawab hai ji femur. Fifth question is, how is 50 written in Roman numeral system? ਪੰਜਾਹ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਟਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਲ. ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਬੱਚੀਏ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ. ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ ਫਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਆਵਰ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਮਿਡਲ, MIDDLE. ਮਿਡਲ, ਮਿਡਲ ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ. ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ hidden, 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 hidden matlab lukya hoya. Third word is ridden, 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 ridden matlab sawar. Fourth word is bidden, 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 bidden matlab sadda. Fifth and last word is fodder, 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 fodder matlab chara. Apni aaj ki slide complete hui beta. Take care all of you and have a great day. Hello kids, good morning all of you. Welcome to all of you in morning session. Aaj miti 9 March 2022 din hai pyare bachcho, budhwar, hafte da teesra din hai, English with Wednesday. Myself Rupinderjeet Kaur, ETT teacher, Government Primary Smart School, Babala Singh, Block and District Barnala, present here to describing morning light. Let's start with thought of the day. And thought of the day is, honesty is the best policy. Imandari changi niti hai. Pyare bachyo, imandari beta sab to changi niti hai. Imandari nu beta ik safal te changi tarah kam karn wale insaan di reed di haddi manya janda hai. Kyunki kuch kam beta beimani naal te chhoot bol ke bahut hi saukhe tarike naal ho jande han. Is de ult imandar hona ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵੈ ਨਾਲ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਹੋਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ. ਅਵਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਟਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਸਾਮ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਔਨ ਅਰਥ? ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੀਲ, ਨੀਲ ਨਦੀ. ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਟਹਿਰੀ ਡੈਮ. ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁੱਖ ਬੋਰਡ ਹੈ. ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਨੇਮ ਦਾ ਆਰਗਨ ਵਿਚ ਪਿਊਰੀਫਾਈਜ਼ ਬਲੱਡ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ
साफ करते हैं। अगे है प्यारे बच्चो, आओ पुछिए। सवेरे सवेरे लकबन चोर वेले फिर गया, देखदिया ही देखदिया घर दी सफाई कर गया। हां जी प्यारे बच्चो, इसका जवाब है जी झाड़ू। लास्ट वन इज वर्ड फॉर प्रैक्टिस। अवर फर्स्ट वर्ड इज ग्लोबल, GLOBAL, ग्लोबल। ग्लोबल मतलब विश्वव्यापी। सेकंड वर्ड इज वार्मिंग, WARMING, वार्मिंग। वार्मिंग मतलब गर्म करना। थर्ड वर्ड इज पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। फोर्थ वर्ड इज बेटा हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल। हार्मफुल मतलब नुकसान दे। फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन। अपनी आज की स्लाइड कंप्लीट हुई बेटा। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज दिन वीरवार, हफ्ते का चौथा दिन है, इंग्लिश विच थर्सडे। मिति 10 मार्च 2022। आज का विचार, अनुशासन पसंद लोग सब तो वध सुखी हुंदे हन। डिसिप्लिन पीपल आर द हैप्पीएस्ट पीपल। प्यारे बच्चों, अनुशासन बेटा मनुखी जिंदगी विच बहुत ही अहम स्थान रखता है। ए साडे जीवन उपर नियंत्रण भी रखता है ते सानू बेटा सही सेध भी दिंदा है। असल विच अनुशासन मनुखी चरित्र दी रीढ़ दी हड्डी है। अनुशासन मनुख दी शख्सियत नू निखारदा है। सारी कुदरत पूरी कायनात एक अनुशासन विच बज्जी हुई है। सूरज चंद तारे हवा पानी धरती रुत्तां दिन ते रात एक डिसिप्लिन विच चल रहे हन। प्यारे बच्चों, सारी सृष्टि दा अनुशासन विच चलना ही अपने आप विच साडे लई बहुत वड्डा सबक है। अनुशासित व्यक्ति नू समाज विच प्यार सतिकार इज्जत ते तरक्की मिलन दे नाल सभ्यक मनुख होण दा भी रुतबा मिलदा है। प्यारे बच्चों, तुसी अपने माता पिता अपने अध्यापकां नू रोल मॉडल मानदे होए उन्हां नू देखदे होए अनुशासन विच रहना सीखना है। सो डिसिप्लिन पीपल आर द हैप्पीएस्ट पीपल। नेक्स्ट वन इज नॉलेज एंड साइंस। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबल प्राइज। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी। इट्स आंसर इज मदर टेरेसा जी। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इज द लार्जेस्ट म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया। भारत विच सब तो वड्डा म्यूजियम किथे है। इट्स आंसर इज कोलकाता। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी दा उबाल दर्जा किन्ना हुंदा है। इट्स आंसर इज 100 degrees Celsius। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हिच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सूरज परिवार विच सब तो ठंडा ग्रह केड़ा है। इट्स आंसर इज यूरेनस। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इज द बिगेस्ट सी एनिमल। सब तो वड्डा समुद्री जीव केड़ा है। इसका जवाब है बेटा वेल। अगे है प्यारे बच्चों आज दी बुझारत। एक खूज 5 डड्डू हन, 2 डड्डू बीमार हो गए, दसो हुण खूह विच किन्ने डड्डू हन। प्यारे बच्चों, खूह दे विच डड्डूआं दी गिनती 5 है। सो चाहे वह बीमार हन चाहे वह तंदुरुस्त हन तां कुल गिनती किन्नी होई 5 डड्डू। लास्ट वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस। अवर फर्स्ट वर्ड इज डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर मतलब डॉक्टर। सेकंड वर्ड इज मेडिसन, MEDICINE, मेडिसन। मेडिसन मतलब दवाई। थर्ड वर्ड इज वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल। वेजिटेबल मतलब सब्जी। फोर्थ वर्ड इज बेटा एवरीडे, EVERYDAY, एवरीडे। एवरीडे मतलब हर रोज। फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज किचन, KITCHEN, किचन। किचन मतलब रसोई। अपनी आज की स्लाइड कंप्लीट हुई बेटा। आज ले ये ना ही, दियो इजाजत,
ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ. ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਬਲੈਸਡ ਡੇ.